नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी पटना ने 281 रिक्तियों के लिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। सीतामढ़ी में विश्व की सबसे बड़ी माता सीता की प्रतिमा का होगा निर्माण। बिहार किसान जर्दालू विदेशियों को लुभाने की तैयारी। 10वीं पास आईटीआई छात्र सीधे ग्रेजुएशन में ले नामांकन। आज बे ओवल में भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी पटना ने 281 रिक्तियों के लिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के कुल मिलाकर 281 रिक्तियों पर भर्ती के लिए 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए। फायर ऑफिसर के पद के लिए फायर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ पदों के लिए हाइट और चेस्ट की आवश्यकता माप होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीतामढ़ी में विश्व की सबसे बड़ी माता सीता की प्रतिमा का होगा निर्माण। बिहार के सीतामढ़ी में रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान के द्वारा विश्व के सबसे बड़ी माता सीता की प्रतिमा की स्थापना की तैयारियां जोरों से की जा रही है, जिसकी ऊंचाई 251 फीट होगी और इसका स्थापना डुमरा के राघोपुर बखरी में की जाएगी। बता दें कि काउंसिल को इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए राघोपुर बखरी के द्वारा कुल 18 एकड़ 40 डिसीमल भूमि दान दी गई है। वहीं भविष्य में इसके विस्तार के लिए आसपास के किसानों के द्वारा भी काउंसिल को जमीन देने के लिए 6 एकड़ की भूमि पर अग्रीमेंट कर दी गई है। सांसद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस स्थल के आसपास की कुल 33.86 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री शुल्क माफ हो सके, इसके लिए बिहार सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग भेज दिया जाएगा। 10वीं पास आईटीआई छात्र सीधे ग्रेजुएशन में ले नामांकन। बिहार के वैसे छात्र जिन्होंने 10वीं पास कर आईटीआई में कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि वैसे छात्र अब सीधे स्नातक में दाखिल ले सकते हैं। इस बात की जानकारी राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगतू के द्वारा राज्य के सभी कुलपतियों को पत्र भेज कर दिया गया है और जल्द से जल्द इसे लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह कहते हुए इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता था कि राजभवन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बता दें कि आईटीआई संचालकों की ओर से 2020 में ही शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 2021 में राजभवन को लिखी सूचना दी गई। उसी पत्र के आलोक में राजभवन की ओर से चिट्ठी जारी कर सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि 10वीं पास करने के बाद आईटीआई करने वाले छात्रों को नामांकन ग्रेजुएशन के लिए लिया जाए। हर जिला मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल का होगा एक स्कूल। विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा करने के दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए बिहार के हर एक जिले में एक ऐसा स्कूल का निर्माण किया जाएगा जो कि सिमुलतला स्कूल के मॉडल पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही कवायद शुरू कर दी जाएगी। सिमुलतला स्कूल ने कई टॉपर्स दिए हैं। ऐसे समय ऐसा था कि इस स्कूल का अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का दबदबा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों के कुल 3.38 लाख पद खाली है, जिसे भरने के लिए उतनी मात्रा में एसटीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी शिक्षक नियोजन का 7वां चरण जल्द शुरू होगा, जिसकी तैयारी अंतिम दौर में है। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो 3-4 साल से शिक्षक नियोजन की आस में बैठे हैं, वो धीरज रखें, उनकी नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एक सफल राजनीतिज्ञ और सफल वकील भी थे। इनका पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद महादेव सहाय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिला के जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद एक सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी कभी किसी से शत्रुता भी नहीं हुई, जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें अजात शत्रु की उपाधि दी थी। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन
आंदोलन में वो शामिल हुए। इसी साल में उन्होंने देश नाम का हिंदी भाषा में साप्ताहिक निकाला। 1921 में उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया। 1928 में हॉलैंड में विश्व युवा शांति परिषद में राजेंद्र बाबू ने भारत की ओर से हिस्सा लिया और भाषण भी दिया। 1950 में भारत जब स्वतंत्र गणतंत्र बना तब आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चुने गए। वे अकेले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें लगातार दो बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की अपने जीवन के अंतिम समय में पटना स्थित सदाकत आश्रम में रहने लगे और समाज सेवा का कार्य करने लगे और 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र बाबू ने इस दुनिया को विदा कह दिया। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के इन जिलों से होकर गुजरे की सड़क। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य की शुरुआत अगले साल से शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि सड़क के निर्माण के लिए करीब 27 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है जिसे भरने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 है। फिलहाल इसकी अनुमानित लागत करीब 945.24 करोड़ रुपए है। बताते चले कि सड़क का निर्माण बिहार में करीब 32 किलोमीटर की लंबाई में बनाकर तैयार किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय बिहार के भभुआ कैमूर रोहतास सासाराम औरंगाबाद गया झारखंड के चतरा हजारीबाग रामगढ़ बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बांकुड़ा पश्चिम मेदिनीपुर हुगली होकर हावड़ा जाएगा। वहीं इसमें ग्रीनफील्ड स्पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सड़क के निर्माण होने से वाराणसी से कोलकाता जाने का समय 12 घंटे से घटकर महज 6 घंटे रह जाएगा। बीपीएससी 67वें रिजल्ट में कोई संशय तो देख ले अपना ओएमआर सीट। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसके बाद यह अभ्यर्थियों के द्वारा रिजल्ट को लेकर कई संशय दिए गए। इसी को देखते हुए आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है और अगर फिर भी किसी अभ्यर्थी के मन में इस रिजल्ट को लेकर किसी भी प्रकार का संशय है तो ऐसी स्थिति के लिए ओएमआर सीट के विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट उपलब्ध जारी करा दिया जाएगा जिसमें मूल्यांकन के बाद और पहले के भी कॉपी होंगे और इसके लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई राशि की भुगतान नहीं करनी होगी। ईओयू ने साइबर ठगी के नए तरीके का किया पर्दाफाश। साइबर ठगी के बढ़ते मामले के बीच आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर ठगी के नए तरीके का पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि इस नए तरीके में साइबर ठग अनजान नंबर से ऐप डाउनलोड कर अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को कैशबैक की चपत लगाते हैं। इस मामले को लेकर ईओयू के द्वारा बेतिया के चनपटिया थाना अंतर्गत चौबे टोला से एक साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। वहीं इस युवक की उम्र 28 वर्ष है। मिली जानकारी के अनुसार पिंटू कुमार अपने मोबाइल में ऐप क्लोनर प्रो ऐप का इस्तेमाल कर ई कॉमर्स वेबसाइट का क्लोन ऐप बनाकर डाउनलोड करता था। इसके बाद वहां ऑटो बाय ओटोपी वेबसाइट का इस्तेमाल कर किसी भी दूसरे मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी हासिल कर लेता था और फिर वह ई कॉमर्स की वेबसाइट पर किसी चीज की ऑर्डर कर उससे पहले मिलने वाले कैशबैक को हासिल कर लेता था। फिलहाल पिंटू कुमार को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। तुतला भवानी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। तुतराही तिलौथू से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी की घाटी में है। यह रोहतास जिले का सर्वाधिक सुरम्य स्थान है जहां उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर दो ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 1 मील लंबी तथा हरियाली से भरी घाटी सामने प्रपात और घाटी के बीच से कलकल कर बहती कछुअर नदी का पानी अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। यह घाटी पूर्व में जहां लगभग 300 मीटर चौड़ी है वहीं पश्चिम की ओर सिकुड़ती हुई केवल 50 मीटर रह जाती है जहां पश्चिम में लगभग 180 फीट की ऊंचाई से प्रपात गिरता है। प्रपात के भीतर उसके दक्षिण बाजू में थोड़ी ऊंचाई पर एक चबूतरा है। यहां जाने के लिए दक्षिण की ओर से सीढ़ी बनी हुई है। चबूतरे पर मां जगधात्री महर्षि मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा से लगभग सटे दक्षिण में चट्टान पर ऊपर नीचे तीन भागों में बंटा शिलालेख नायक प्रताप धवल देव का है जो 1 अप्रैल 1158 शनिवार को लिखवाया गया था। यहां तुतला भवानी का एक छोटा मंदिर निर्मित कर दिया गया है। हाल के दिनों में वन विभाग द्वारा इस स्थल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया गया है। महाबोधि मंदिर के गुंबद में लौटी चमक। वर्ष 2013 में थाईलैंड के राजा और दानदाताओं द्वारा दान में दिया गया लगभग 290 किलो के सोने की परत को बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के शीर्ष पर गुंबद में लगाया गया था जिसे अब लगभग 5 वर्ष के बाद थाईलैंड से आए 20 इंजीनियरों व कारीगरों के दल के द्वारा चमकाया गया है। बता दें कि इसे प्रत्येक 3 वर्ष पर चमकाया जाता है जिस वजह से इसे 2017 में साफ किया गया था। वहीं 3 साल बाद यानी कि 2020 में कोरोना की वजह से इसे साफ नहीं किया जा सका। थाईलैंड से आए 20 इंजीनियरों व कारीगरों के दल के द्वारा इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए एक लोहे व प्लाई की एक सीढ़ी तैयार की गई और साफ
गई। जानकारी के लिए बता दें कि सफाई किए जाने के बाद वहां स्थित थाईलैंड के मेटा बुद्धा मोनास्ट्री के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु जमा हुए। जन समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अंचलाधिकारी पर गिरीगाज। बीते शुक्रवार को गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जब जिले के फरियादियों को सुनने के लिए जब हाजिर हुए तो उस दौरान उन्हें 450 लोगों की समस्याओं को सुनने को मिला, जिसमें भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी जैसे कई मामले सामने आए। बता दें कि डीएम के जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी भी मौजूद होते हैं। हालांकि जब इन मामलों की सुनवाई की जा रही थी उस समय उन्होंने सुनवाई और निष्पादन को लेकर त्यागराज के द्वारा जब अंचल के अधिकारियों को ढूंढा गया तो उस दौरान वहां मौजूद नहीं पाया गया। वहीं इसके साथ बड़ी संख्या में नगर अंचल से जुड़े मामले भी लंबित पाए गए, जिसके बाद डीएम के द्वारा उन अंचलाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत डीएम ने अंचलाधिकारी के वेतन में से 3 दिनों के वेतन की कटौती कर दी और समाहर्ता को निर्देश दिया कि आवेदकों की समस्या को सुनिश्चित करते हुए निवारण किया जाए। बिहार किसान जर्दालू विदेशियों को लुभाने की तैयारी। अब बिहार में मशहूर भागलपुर के जर्दालू आम को सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह पूरी दुनिया में अपने विशेष स्वाद के लिए जानी जाती है, जिस वजह से इसकी मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए अब इसके लुक को भी अपडेट करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इस आम को इंटरनेशनल लुक देने के लिए मैंगो कैप का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आम किसानों को 30 से 40 रुपए का मुनाफा हो सकता है। इस कैप के इस्तेमाल से आम में न दाग धब्बे लगते हैं और न ही आंधी तूफान में बर्बाद होते हैं। बता दो चले कि जर्दालू को 2008 में GI टैग दिया गया है। बीते वर्ष से यह वाणिज्य मंत्रालय के प्रयास से लंदन, अमेरिका, बहरीन जैसे देशों में आपूर्ति की जा चुकी है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और यह 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 24% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिना टेस्ट दिए बनवाए ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप भी बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय के द्वारा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब आप ड्राइविंग स्कूल जा सकते हैं और अपना नाम दर्ज करवा कर ड्राइविंग सीख सकते हैं। इसके बाद आपको परीक्षा के आधार पर ड्राइविंग स्कूल से एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बता दें कि इस सर्टिफिकेट को परमिट पेपर के साथ रखना होगा। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद आपको किसी भी तरह के कोई ड्राइविंग टेस्ट से नहीं गुजरना होगा, लेकिन इस दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हैं उसकी वैधता 5 साल से अधिक की होनी चाहिए। बिहार में सरकारी कर्मचारी से अधिक हो गए पेंशनधारी। बिहार में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, ऐसे में सरकारी महकमे में अभी भी कई पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं बिहार में अब स्थायी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की तुलना में पेंशन लेने वालों की संख्या करीब 2.25 गुना अधिक हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 3.25 लाख है, तो वहीं पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 लाख है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इन पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों में 60 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों की तुलना में 70 से 80 आयु वर्ग के लोग अधिक है। हालांकि उसके बाद का यह आंकड़ा कम हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के आर्थिक सर्वे 2022 के अनुसार प्रदेश में लोगों की औसत आयु में बढ़ोतरी हो गई है। पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना एयरपोर्ट के द्वारा नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत देर रात और अगले सुबह उड़ान भरने वाली फ्लाइटों में 7 फ्लाइट को 1 दिसंबर से रद्द कर दिया गया है। वहीं 15 और फ्लाइट को रद्द करने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि नए शेड्यूल के अनुसार आधा दर्जन फ्लाइट के समय में परिवर्तन भी किया जाएगा। वहीं रद्द किए जाने वाले फ्लाइट में सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली रूट पर जाने वाली है। कहा जा रहा है कि विमान की आवाजाही में परिवर्तन होने से इसका असर विमान किराए पर नजर आ सकता है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा में गंगा घाट पर पढ़ने वाले 15 छात्र सफल।
बीपीएससी 67वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। ऐसे में एक नाम काफी चर्चा में है। बता दें कि जो नाम चर्चा में है वह नाम अरुण सर का है, जिनके निःशुल्क कक्षा में पढ़ने वाले 15 बच्चों ने बाजी मार ली है। उनकी कक्षा में 35 बच्चे शामिल थे, जिनमें से 15 बच्चों ने बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा पास कर ली है। बताते चले कि अरुण सर पटना के गंगा घाटों पर निःशुल्क क्लास लेते हैं, जहां वे बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अरुण सर का कहना है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है और बच्चे भी यहां बड़े चाव से पढ़ते हैं। वहीं बच्चों की भी खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें अरुण सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा मंत्री पर विजय सिन्हा का हमला। शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा शिक्षा मंत्री पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षकों के नेताओं से उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की सभी मांगे जायज है। शिक्षा विभाग पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के दल जदयू के हाथों है और तब से ही विभाग रसातल में चला गया है। शिक्षा विभाग मंत्री भी खुद ही एक शिक्षक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर शिक्षकों के लिए सहानुभूति नहीं है। दुर्भाग्यवश यहां के शिक्षकों को 20-20 महीनों तक वेतन नहीं मिल पाता। सरकार के द्वारा जानबूझकर विधानसभा सत्र में एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जहां शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे जा सके। तेजस्वी ने पर्यटकों से की एक खास अपील। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। इसी कड़ी में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पहुंचे डिप्टी सीएम सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों से खास अपील की है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संपदा से भरा बिहार का इकलौता एवं भारत के प्रसिद्ध उद्यानों में से एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बहुत ही सुंदर एवं रमणीक स्थल है। 880 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में दिन के उजाले में गंडक नदी के शांत पानी में हिमालय के पहाड़ों का प्रतिबिंब बहुत ही मनोहरी एवं आकर्षक लगता है। सर्दियों के मौसम में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य और अधिक मनोरम व मनोहर हो जाता है। हम यहां की सुविधाओं में इजाफा और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक विकसित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में सैलानी हमारे बिहार में घूमने आए। सभी को सपरिवार एक बार यहां अवश्य घूमना चाहिए। जगदानंद सिंह को लेकर लालू के करीबी नेता ने किया दावा। जगदानंद सिंह के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर कई बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के खास कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी के द्वारा भी इससे जुड़ा एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह अब दोबारा पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वह वापस नहीं आएंगे। हालांकि जगदानंद को लेकर लालू यादव क्या सोचते हैं उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। वहीं जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पहले से ही नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया है। जगदानंद सिंह भी पार्टी में कम सक्रिय रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वे अब दोबारा फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान नहीं संभालेंगे। इसके साथ ही अब वैसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए जिनकी ट्विनिंग तेजस्वी यादव से अच्छी बनती हो। बिहार में बंगले पर बवाल, सामने आया रेणु देवी का बयान। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आवास को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपने आवंटित आवास को लेकर कहा है कि जो आवास हमें दिया गया है उसकी हालात बहुत खराब है, इसके मरम्मत होने में अभी 15 दिन का और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हम जिस आवास में रह रहे हैं वहाँ विभाग के द्वारा नोटिस भेज दिया गया है और साथ ही 2,36,000 का पेनाल्टी चार्ज भी लगाया गया है। वहीं बीजेपी के नेताओं को जो आवास दिए गए हैं उसको खाली करवाने की मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग पहले से उस आवास में है जो खाली नहीं कर रहे हैं। भवन निर्माण विभाग उल्टे भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, जो पूरी तरह से गलत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष को सही जगह पर सही आवास नहीं दिया गया है। बे ओवल में भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। वहीं अब इस सीरीज का दूसरा मैच आज माउंटगनई के बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि आज का होने वाला यह मैच हाई स्कोरिंग मैच होगा। इसके साथ ही यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी। वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 या उससे अधिक का स्कोर अपने नाम कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमेशा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने का रिकॉर्ड बदल जाएगा। माना जा रहा है कि इस मैच के शुरुआत के 6 ओवर काफी अहम होंगे। इसके साथ ही एक्यूवेदर के रिपोर्ट की माने तो रविवार के दिन भी बारिश होने की 79% संभावना बताई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के द्वारा की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज।
कोलकाता में बोस अनुसंधान संस्था की 1917 में स्थापना हुई। भास्कर उपग्रह को 1981 में छोड़ा गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 1985 में जारी हुआ। जापान का 1945 में अमेरिका के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। पीवी सिंधु ने 2016 में चाइना ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में चीन की सुनयू को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर पहला सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया। एक भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1979 में हुआ। प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का निधन 1984 में हुआ। बहुमुखी प्रतिभाशाली अनेक विषयों के विद्वान विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा का निधन 2009 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध कवियत्री निर्मला ठाकुर का निधन 2014 में हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रिय रंजन दास मुंशी का निधन 2017 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे ब्लॉक वाइज कोविड 19 सर्वेक्षण के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ब्लॉक वाइज कोविड 19 सर्वेक्षण के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है @MOHFW India के नाम से एक आशय पत्र सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें दावा किया गया है कि मंत्रालय 18 वर्ष से अधिक आयु की आबादी पर ब्लॉक वाइज कोविड 19 सर्वेक्षण कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई आशय पत्र नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है या नहीं, ऐसे लगाएं पता। मेटा का फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूजर्स को अपने अकाउंट को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए कई सुरक्षा फीचर देता है। लेकिन तब क्या जब आपका अकाउंट पहले ही हैक हो। तो बता दें कि सोशल मीडिया ऐप एक सिक्योरिटी चेकअप फीचर देता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें। अब निचले दाएं कोने में प्रोफाइल पिक्चर को टैप करें और अपने प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं। फिर ऊपरी दाएं कोने पर 3 लाइन मेनू बटन पर टैप करें। अब सेटिंग विकल्प का चयन करें और सिक्योरिटी विकल्प चुने। इसके बाद सिक्योरिटी चेकअप विकल्प पर टैप करें। यहां आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, फोन नंबर और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आप पासवर्ड टैप का चयन करें और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और सेव बटन दबाएं। अब आप अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस अपडेट करें और नेक्स्ट बटन पर टैप करें और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर नेक्स्ट बटन दबाएं। इसके बाद 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें और वेरिफिकेशन कोड पाने की विधि का चयन करने के बाद सेव बटन पर टैप करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजीत सिंह, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, रविंद्र पासवान, अजीम फिरदौस, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, प्रहलाद कुमार, कुमार कौशल, करण सिंह मेहरा, रविशंकर, मोनूपाल, अखिलेश यादव, मंजू कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में घूमने के लिए सबसे मनोहर और सुंदर जिला कौन सा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।